उस्ताद सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं है उन्हें। सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं है उन्हें। कोई अचरज नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके समर्पण पर, कोई अचरज नहीं। मैं नहीं, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण। रूबिका लियाकत के झूठ का हुआ पर्दाफाश, डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता को बचा रही थी पत्तलकार, हो गई रूबिका की टाइटल फिस। सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं उन्हें। सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं उन्हें। और मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ। हिपोक्रेसी की सीमा होती है यार भाई जी। कोई अचरज नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके समर्पण पर, कोई अचरज नहीं। मैं नहीं, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण। बिल्कुल बेशर्मी की सारी मर्यादा। गोदी मीडिया में अपने आप को सबसे अच्छा भारतीय पत्रकार मानने वाली रूबिका लियाकत अपने डिबेट शो में कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे के सामने फंस गई। दरअसल रूबिका लियाकत अभय दुबे को डिबेट में बोलने नहीं दे रही थी, जिसके बाद अभय दुबे ने कहा आप मुझे बोलने दीजिए, जिसके बाद रूबिका ने कहा मैं तो आपको बोलने दे रही हूँ, आप झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने इतना तो छोड़िए, भाजपा को बोलने का तो मौका ही नहीं दिया, बल्कि स्क्रीन पर तक नहीं रखा है। लेकिन आप एक क्लिप देखिए। सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं उन्हें। और मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ। हिपोक्रेसी की सीमा होती है यार भाई जी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ तो आ गया होगा कि गोदी पत्रकार भाजपा की साख बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं उन्हें। सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं उन्हें। और मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ। हिपोक्रेसी की सीमा होती है यार भाई जी। कोई अचरज नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके समर्पण पर, कोई अचरज नहीं। मैं नहीं, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण। बिल्कुल बेशर्मी की पराकाष्ठा, सारी मर्यादा आपने 5:15 रूबिका के झूठ पकड़ने पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए द कंटाप को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हिपोक्रेसी की सीमा होती है यार भाई जी। कोई अचरज नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके समर्पण पर, कोई अचरज नहीं। मैं नहीं, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण। बिल्कुल बेशर्मी की सारी मर्यादा आपने 5:15 रहे हैं।